कि बहू निदा खान ने आज बीजेपी ज्वाइन की। हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता निदा खान से बातचीत की है। निदा खान ने प्रसिद्ध शायद मुनव्वर राणा के बयान पर पलटवार किया, क्या कुछ कहा सुनिए। हमारे साथ निदा खान जी हैं जो तीन तलाक हमेशा से मुखालफत करती रही है। दूसरा परिचय है कि तौकीर राजा जो हमेशा से उनके विवादित बोल रहे हैं और कुछ दिन पहले वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, क्या रीजन रहा भारतीय जनता पार्टी में आने का? भारतीय जनता पार्टी में आने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो तीन तलाक का कानून है। जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया है शादियों में, एक ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि कारण रहा पार्टी में आने का। साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेके बात करी जाए तो बहुत सारी पार्टियां महिला सुरक्षा को लेकर बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करती है, लेकिन जो असल में काम किया गया वो भाजपा पार्टी से किया गया। जहां तक हमने ग्राउंड लेवल पे काम करा तो हमने ऐसा महसूस करा गया कि जो भी काम हुए वो हुए। जैसे पुलिस प्रशासन का पहले रवैया महिलाओं की तरफ बहुत ज्यादा खराब रहता था, लेकिन आज बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसका एक प्राइम एग्जांपल ये कि हर थाने में हर जगह हेल्प डेस्क लगा दी गई है वुमेन्स के साथ कि आपको अगर कोई परेशानी है आप इनको बोलिए और वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। आप मुस्लिम महिला है, कल मुनव्वर राणा जो प्रसिद्ध शायर है उन्होंने कहा कि हम प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे अगर योगी की सरकार आएगी, ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ मैसेज? ये उनका व्यू है। मुझे लगता है अगर भाजपा सरकार आती है और कहीं कहीं दूसरे राज्य में कोई और सी सरकार है तो मुझे लगता है वहाँ के लोग यहाँ आएंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा सुरक्षा यहाँ महसूस होगी। हमारे साथ बात करने के लिए निदा खान जी थे जो तौकीर राजा की बहू भी है। उनका साफ कहना है मुनव्वर राणा के भी बयान पर कि अगर दूसरे स्टेट के भी जो निवासी है अगर बीजेपी की सरकार आती है तो लोग यूपी में बसना पसंद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो महिला का सम्मान है वो उत्तर प्रदेश में ही सुरक्षित है। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ।